देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को जितने भी चीज है वो मेरा है रोस्टर फॉर्म में दिया गया, ठीक है। उसको हमको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन मेरा है 3, 6, 9, 12, ठीक है। कैसे लिखेंगे 3, 6, 9, 12? ये जो सेट है, मान लीजिए कोई सेट ए है, ये एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स क्या है। अब जो मेरा रोस्टर फॉर्म में दिया गया है वो मेरा है 3, 6, 9, 12। ज़रा गौर से देखिए कि ये जितने भी वर्ड हैं, ये जितने भी वर्ड हैं वो 3 का डिविजर है, ठीक है। यानी कि x सच दैट x इज ए डिविजर, x जो है वो क्या है, डिवाइजर है, किसका, ऑफ 3 का, 3 का डिवाइजर है, ठीक है। 3 को डिवाइड देता है, 6 को 3 डिवाइड देता है, 9 को भी 3 डिवाइड दे रहा है और 12 को भी 3 डिवाइड दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो डिवाइजर है वो 3 का है। लेकिन केवल इस तरह से लिख देने से काम नहीं बनेगा, हमको यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बट जो मेरा एक्स है वो मेरा 12 से ज़्यादा है नहीं, ठीक है, 12 से ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 15 भी आ सकता है इस कंडीशन में, लेकिन 12 तक ही है मेरा वहाँ दिया हुआ। तो इसीलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x जो है वो मेरा लेस देन 13 है, 13 से कम है। तो 13 से कम डिवाइजर 12 आ गया, यानी कि 12 से इंक्लूड होगा। उसी तरह से सेकेंड नंबर का मैं चलूँ तो सेकेंड नंबर मेरा कोई मान लीजिए सेट B होगा, और ये सेट B मेरा है दिया हुआ रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, और वो मेरा है 2, 4, 8, 16, 32 ये मेरा सेट दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32। इस सेट को हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे देखिए, कहीं ना कहीं देखिए ये 2 पर पावर 1 डाल देंगे 2 आ जाएगा, 2 पर 2 डाल देंगे 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 पर पावर 4, ठीक है, 2 पर पावर 5, यही तो है। यानी कि कहीं ना कहीं 2 पर पावर n हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर n, एक्स सच दैट एक्स क्या है, तो 2 पर पावर n है, और वो n क्या है, तो n मेरा बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में सबसे पहले, चूँकि 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, सभी के सभी ये नेचुरल नंबर है, यानी कि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, और वो 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि जो n है वो 5 के इक्वल टू भी है और 5 तक ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें वो है मेरा 5, 25, 125, 5, ये मेरा सेट दिया गया है 5, 25, 125 और 625, ये मेरा सेट दिया गया है। गौर से अगर देखें तो यहाँ भी देखिए 5 पर पावर 1, 25 का हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब है, ये 5 पर पावर 4 है, यानी कि ये जो सेट है ये भी 5 टू द पावर n है। तो एकदम उसी तरह से 5 पर पावर n, जहाँ पर n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, और n जो है वो 4 तक है, 4 के इक्वल टू है और 4 से छोटा है। जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं नेचुरल नंबर, तो उसमें हो गया कि 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, 0 वो तो होगा नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 से छोटा, 4 के इक्वल टू, वो इंक्लूड हो गया इसमें, ठीक है। आगे अगर हम लोग चलें क्वेश्चन देखिए, इसके बाद का है कि 2, 4, 6 इस तरह से, ठीक है, 2, 4, 6 ये क्या होगा, केवल 2 है, 4 है और 6 है, क्या होगा बताइए, 2, 4, 6 कि x सच दैट x इक्वल टू 2n, ठीक है, 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पर कि ये छोटी n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ठीक है, और वो जो n है वो n 3 के इक्वल टू और 3 से कम है, ठीक है। तो 3 के इक्वल टू लेंगे तो 6 आ जाएगा जो कि है, 3 से छोटा 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा जो कि है, 3 से छोटा 1 लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा। हम इसमें 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर में है ये, ठीक है, तो वो हो गया।
इसके बाद फिफ्थ नंबर है मेरा 14900, इसको तो मैंने कल भी बताया हुआ है, इसको तो मैंने कल भी बताया हुआ है 14900 इस तरह से। इसमें अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक का नंबर का स्क्वायर है केवल, ठीक है। यानी कि x सच दैट x इक्वल टू सबका स्क्वायर है, यानी कि n स्क्वायर, ये क्या है n स्क्वायर है। n बिलोंग्स कहाँ करता है, नेचुरल नंबर में, चूँकि 1, 2, 3, 4 है ना, 0 तो है नहीं, 1 से ही उधर है, तो वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। और फिर 10 तक है, यानी कि n लेस देन इक्वल टू 10, ये हो गया मेरा कंप्लीट। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.